जय हिंद। राम राम भाइयों। आज यार इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक है। तो पहला तो रहेगा अपना एडमिट कार्ड को लेकर जो इशू चल रहा है, और दूसरा रहेगा ग्राउंड को लेकर। कल दो वो तीन बातें रह गई थी जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो पहली बात तो है कि एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड का क्या सीन है, एडमिट कार्ड का क्या सीन है, क्या है क्या नहीं। तो यार भाइयों, अपना एडमिट कार्ड के अंदर अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग इतना वो मत लगाओ, क्योंकि आपके साथ पहले एक बार ट्रेजेडी हो चुकी है कि भर्ती कब आएगी आपका। जिससे एडमिट कार्ड से पहले का क्वेश्चन क्या था कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, ये क्वेश्चन था। तो भाई अब भर्ती आ गई। हाँ, क्या आप तैयार हो गए भर्ती देखने के लिए? पहले तो अपने आप से ये सवाल रखो। और रही बात एडमिट कार्ड की, अगर तुम्हारे फॉर्म दोबारा से फिलअप कराए गए हैं, फॉर्म भराए गए हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है तो एडमिट कार्ड तो आके ही रहेंगे। जहाँ तक हमें न्यूज़ है, हमको जहाँ तक पता है कि एडमिट कार्ड का क्या सीन है क्या नहीं है, तो एडमिट कार्ड यार या तो आज शाम तक या कल 2 तारीख को बोला गया है, तो 2 तारीख तक इशू हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो और रही एक हमारे सर हैं जिन्होंने हमारे को कमेंट किया है कि बोले एडमिट कार्ड के लेकर के बोले ये सब यूट्यूबर्स का ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो सर आपको जय हिंद, आप सर्विस है फौज में, आपको आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, पहली बात तो ये। बाकी सर इतना ही कहना चाहूँगा कि यार सर, लड़के 2 साल से वेट कर रहे हैं भर्ती के लिए। 2 साल एक कम टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 साल से लड़के सारे भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं कि बोले भर्ती कब आएगी और कब तक एडमिट कार्ड इशू होंगे क्या होगी। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लड़कों को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो उनको डीमोटिवेट भी मत होने दीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए सर। क्योंकि अगर ये कोरोना जैसी सिचुएशन अगर नहीं रहती ना, तो ये तो दावा है सर भर्ती भी कब की आ चुकी होती और कब के एडमिट कार्ड भी मिल चुके होते हैं और कब के ही बहुत सारे भाई लोग मेरे फौज में जा चुके होते हैं। अभी सिचुएशन ही ऐसी है तो इतने सारे कन्फ्यूज़न है कि कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा है। जितनी नॉलेज लड़कों को यूट्यूब के माध्यम से अगर मिल रही है तो उसमें दोहराई क्या है, कुछ गलत नहीं है वो सर, ठीक है सर। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लड़कों को डीमोटिवेट मत होने दीजिए, अगर आप मोटिवेट रखिए उनको। अगर कुछ आप हमारे कमेंट्स में, किसी भी कोई अदर चैनल किसी के भी अगर आप कमेंट्स में कुछ बात कहना चाहते हैं तो सर मोटिवेशन बात कीजिए प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि लड़कों में उत्साह रहे। क्योंकि काफ़ी 2 साल का वेट करके, इतना टाइम का वो करके, काफ़ी लड़के तो ऐसे हैं जिनकी 2 साल से निस्वार्थ तैयारी की, अपनी जी जान लगा के तैयारी की, लास्ट में आके पता चला ओवरेज, वो तो पहले से उस चीज़ से परेशान है, उनको छूट नहीं मिली तो वो पहले से उस चीज़ में परेशान है। तो कोई नहीं, वो जिनका जो नियम है वो ये फॉलो करेंगे। तो वो पहले से परेशान थे, तो आप और उनको जो देख रहे हैं भर्ती जो भी है अभी तक, उनका उत्साह बढ़ाए रखिए, ठीक है सर। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। और एडमिट कार्ड भाई लोगों आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, यार आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, सबसे पहली बात तैयारी कंटिन्यू रखो। जब बुरी बनने पर आती है तब कहकर नहीं आती है, अपनी तैयारी बना बरकरार रखो, फिजिकल अपना स्ट्रांग बना के रखो, और जी बंदों का टाइम कम नहीं हो रहा, कोशिश करो, ठीक है। टाइमिंग कम करके भी बहुत अभी बताऊंगा, आगे बताता हूँ आपको, वीडियो पूरी देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, ग्राउंड को लेकर, कि ग्राउंड को लेकर मैं क्या कहना चाह रहा था कल, ठीक है। तो ग्राउंड को लेकर ये बात थी कि उस ग्राउंड का पे लगभग हमने 3 साढ़े 3 साल 4 साल से तैयारी की है, उस ग्राउंड पे प्रैक्टिस की है हमने, ठीक है। तो उस ग्राउंड का ये सीन था कि हमने वो जब वहाँ प्रैक्टिस की, तो उस भर्ती ग्राउंड पे कुछ लड़के ऐसे रहे उस कार्ड विश्राम स्थली ट्रैक के ऊपर, जिन्हें प्रैक्टिस टाइम में वहाँ पर 5:20 5:25 का टाइमिंग ली है प्रैक्टिस टाइम में, और उन्होंने भीलवाड़ा रैली 2019 में एक्सीलेंट लगाया है, और उन्होंने वहाँ पे भर्ती ग्राउंड पे 4:42 4:43 पे रनिंग कंप्लीट की है। जिन उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 5:20 पे यहाँ टाइमिंग डाला है, उन्होंने एक्सीलेंट वहाँ लगाया 4:42 4:43 पे। और कुछ लड़के ऐसे भी गए हैं उस ग्राउंड से जिन्होंने 5:50 5:45 5:48 ऐसी टाइमिंग से, प्रैक्टिस टाइम में ऐसी टाइमिंग पे उन्होंने भर्ती ग्राउंड निकाला है, क्लियर किया है, ठीक है, ग्राउंड फिट हुए हैं वो। तो पहले तो आपके दिमाग से ये क्लियर कर लो टाइमिंग लेवल को, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेके चलो, बस यही बात कहूँगा मैं, ठीक है। तो और उस ग्राउंड का थोड़ा सा एक हिस्सा जो, जहाँ अब इस बार का पता नहीं है किस तरफ से स्टार्टिंग होगी, जहाँ तक मुझे पता है शायद जो मैंने वीडियो में डाला है पिछली बार, जहाँ से ही स्टार्टिंग पॉइंट वो लेंगे,
पिछली बार जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया था उसके बाद से पहला 100 मीटर छोड़ के दूसरा 200 मीटर छोड़ के 300 मीटर के ऊपर हल्की सी एक चढ़ाई पड़ती है, और उसके जो जो चाप काटे हुए ग्राउंड के वो हल्के से डीप है, ठीक है। तो उन दोनों कॉर्नर पर, डीप कॉर्नर पर एक 300 मीटर पर विशेष कर, ठीक है, दोनों डीप कॉर्नर पर और 300 मीटर पर विशेष कर आप थोड़ा सा ग्राउंड का जो बीच वाला भाग है उसका इस्तेमाल करो, या फिर आउटर लाइन, बीच में जाने की कोशिश मत करो कि टाइम कम होगा। अगर आपको वहाँ से बंदे काटने हैं तो आप बीच वाले हिस्से का या आउटसाइड का इस्तेमाल करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। और उस ग्राउंड का हल्का सा लेआउट जो 300 मीटर पर है वो हल्का सा उठा हुआ है, उठा थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है हल्की से। अगर वैसे तो ग्राउंड पिछली बार जैसे मैनिपुलेट किया गया था, बनाया गया था, तो उसमें ग्राउंड को ज़मीनी लेवल से 1 या 1.5 फीट ऊपर उठाया गया था, तो इस बार भी वही सिस्टम रहेगा। ग्राउंड पे मिट्टी डाली जाएगी, ग्राउंड को 1-1.5 फीट जमीन के लेवल से ऊपर उठाया जाएगा, तो ये बात फैक्ट है, उठाया जाएगा। तो ऊंचाई होने के बाद भी उसमें थोड़ा सा तो हाइट जो है चढ़ाई रहेगी रहेगी, इतना ध्यान रखना। और ये जो ट्रैक की भाई जो पूछ रहे कि 400 मीटर है 420 मीटर है, तो भाई ट्रैक हमेशा 400 मीटर का बनता है, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा वो नहीं होता, 400 मीटर ही रहता है, भर्ती ग्राउंड पर 400 मीटर के बनते हैं। और इतना कॉमन सेंस तो हमारे भाई लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं यार, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, तो इतना कॉमन सेंस तो उनमें भी है कि ट्रैक के इनर लाइन में दौड़ेंगे ट्रैक थोड़ा सा छोटा पड़ता है, 400 मीटर पड़ता है, थोड़ा सा बीच वाली लाइन पे दौड़ेंगे तो ट्रैक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है, और आउटर साइड में दौड़ेंगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पड़ना, तो 410-420 को आउटर लाइन पर हो जाता है लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, और भी कुछ होगा तो मेरे को जैसे जैसे जहाँ मौका मिलेगा मैं वहाँ बैठ के आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बहुत काम में आने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा, हर एक न्यूज़ दूंगा, ग्राउंड को लेकर हो चाहे एडमिट कार्ड को लेकर हो चाहे कोई कुछ और इशू, और उसके अलावा भी कोई भी बंदा जो अभी तैयारी कर रहा है जिसकी टाइमिंग अच्छी है, तो एक तो पहली चीज़ है अपनी टाइमिंग का ये माइंड मत करो कि मेरा इतना आ रहा है, टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए होता है। कॉन्फिडेंस लेवल रखो अपने आप में, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मोटिवेशन अंदर रहेगा तो जरूर यार ग्राउंड पर निकालोगे आप भर्ती, फौजी बनोगे, वो टेंशन दिमाग से निकाल दो। तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, बेहतर हो गए नदी की तरह बेहतर हो गए, सुबह शाम अपनी प्रैक्टिस रखो, और प्रैक्टिस के रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मेरे को पर्सनली कभी भी एनी टाइम कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर आपको चैनल पे दे रखे हैं। उसके अलावा भी अगर कोई डीमोटिवेट होता है, कुछ समस्या आती है, कुछ पूछना हो, कुछ नॉलेज सारी दूंगा आपको, क्योंकि मैं खुद भी भाई देख इतनी वो नहीं करता कि अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, जो चीज़ सीखी है वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद 2 टाइम स्टेट रेस खेल चुका हूँ, क्रॉस कंट्री का रनर हूँ, ठीक है। उसके अलावा 6 भर्तियाँ अटैम्प्ट मार चुकी है मैंने, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, दिखा दूंगा आपको जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो। उसके अलावा 2 टाइम मैंने स्टेट क्रॉस कंट्री खेल चुकी है 10 किलोमीटर में, तो जितना मेरे को आपको नॉलेज है, जितनी मेरे को पता है सब दूंगा, ठीक है। अपनी मेहनत बरकरार रखो बस, क्योंकि ये सब फालतू की बातें हैं, यूट्यूबर्स जो भी बात बोलते हैं कि बोले जैसे वैसे, हाँ 100 में से 10 होते हैं ऐसे जो अपने चैनल को ग्रो करने के चक्कर में सारी बातें करते हैं। तो आप मस्त रहो, बिंदास रहो। ग्राउंड का और भी कुछ रहेगा तो वीडियो जल्दी से जल्दी वीडियो डालूंगा, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड का इशू दिमाग मत रखो यार, एडमिट कार्ड आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, और तुम भर्ती भी देखोगे। जैसे अपनी मेहनत बरकरार रखो, एडमिट कार्ड का तो जैसे मेरे को कोई न्यूज़ मिलती है आपको फटाक से बता दूंगा मैं। अब बस मोटिवेट रहो अंदर से, टूटो मत, अपने आप को टूटने भी मत दो, और अपने साथ वाले को टूटने मत दो, जो आपके साथ और भी प्रैक्टिस करते हैं उनको टूटने मत दो, मेहनत रखो, जरूर सफलता जरूर मिलेगी, सफलता की पहली सीढ़ी यही है, ठीक है। सफलता अपने पास नहीं आती है, सफलता के लिए बहुत भागना पड़ता है भाई। तो अगर फिर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पर्सनली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन कीजिए, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा हर चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।